ये कहानी है एक बड़े से शहर में रहने वाले दो साधारण लोगों की। अनिल, जो अपनी आंखों में कई सपने लेके एक नए शहर से मुलाकात करता है, जिसने अपना बचपन बचपन में ही छोड़ दिया था। वो आया था एक नए खुद की तलाश में, अपने गांव की रंगीली धूप को छोड़कर मीलों दूर। वहीं दूसरी तरफ कानपुर से आई नीलिमा अपने कदम एक बड़े से शहर में रखते ही सिमटने लगी। नीलिमा के चेहरे कई लोगों से मिलते थे, अपनी माँ से, बहनों से, भाई से, लेकिन वो अपने को कभी ढूंढ ना पाती इन लोगों में। कई जिम्मेदारियां थी उसके कोमल कंधों पर। अपने पिता को कुछ दिनों में खो देने वाली नीलिमा हर रोज वक्त से मोहलत मांगती थी कि वक्त उसके हाथों में मुट्ठी भर ना समाता। साल 1978। किसी एक रोज नीलिमा कॉलेज जाते वक्त ट्रेन में अपनी सहेलियों के साथ एक कोने में खड़ी वक्त ढूंढ रही थी। वक्त तो मिला नहीं, लेकिन रूबरू हुई एक लड़के से, जिसकी आंखों में नीलिमा ने अपनी झलक पाई। वही झलक जो उसे कभी किसी में ना दिखी। सावन गया और पतझड़ आया। नीलिमा और अनिल भीड़ में अब एक दूसरे का हाथ थाम कर चलते हैं। नीलिमा के पिता से किया हुआ आखिरी वादा आखिर अनिल बिना निभाए कैसे रहता। कुछ ही दिनों में एक काम के सिलसिले में अनिल को शहर छोड़ जाना पड़ा। पहली बार था जब वो अलग हुए थे। पहुंचते ही नीलिमा को एक खत आया। जाड़ों की नर्म धूप में बैठी नीलिमा को जब ये एहसास होता है कि वो किसी की प्रेमिका है, ये सोच उसे शर्म से रंगीन कर देती थी। वहीं दूसरी ओर अपने मेस की खिड़की से डूबते हुए सूरज को देखते ही, अपनी प्रेमिका की होठों के लाल रंग का ख्याल आते ही, वक्त का हिसाब और बढ़ने लगता है। इसी कश्मकश में पूरा एक महीना बीत जाता है और आज वो दिन है जब दोनों फिर मिलेंगे। सुबह से ही जैसे वक्त अकड़ के बैठा है, गुजरने का नाम ही नहीं लेता। मगर आखिरकार वो समय आ ही गया जब दोनों एक दूसरे से उसी रेलवे स्टेशन में मिलते हैं जहां वो पहली बार मिले थे। रूबरू होते ही मालूम हुआ मानो चित्रकार ने अपने कल्पना के सारे रंग कैनवस पे उतार दिए हों। इतने में ही दोनों वहां से पैदल चलते हुए गंगा किनारे जाकर बैठते और उसी दौरान दोनों एक दूसरे को उपहार देते हैं। वही किताब जिसने नीलिमा को एक अनोखी दुनिया से पहचान करवाई, और एक ऐसी कलम जिससे अनिल नीलिमा की सुंदरता को अक्षरों में बयां करता। दिन ढलने को आया है, पर ढलता हुआ सूरज अनिल को अब और नहीं सताता। इसी दौरान अनिल नीलिमा को शादी का प्रस्ताव देता है। वो पहली बार था जब नीलिमा को ये महसूस हुआ कि आजादी काल्पनिक नहीं होती। 1979, 19 फरवरी, वही दिन जिस दिन उनकी शादी होती है।
आज से दोनों अपना घरौंदा बनाते हैं, जहां बादलों की छांव में भी जगमगाती रोशनी होती है, जहां शहनाई की गूंज से बादल गरजते हैं। अब अनिल के कैनवस में वो हर रंग है जिसकी उसे चाह थी, और नीलिमा उन सारे रंगों को बहुत ही प्यार से संजो कर रखती है अपने रंगों से। देखते ही देखते उनके घरौंदी की उम्र अब 41 साल है, जहां रंग आज भी ताजा है और ये घरौंदा उनके प्यार से महकता है, और ये दास्ता मेरे माता पिता की है।